जरा गौर से देखिए इस वीडियो को और गौर से सुनिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में कोरोना वायरस जैसी बीमारी का चेकअप करने के नाम से घर में दाखिल होता है तो उसको घर में ना घुसने दें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार को जान और माल का खतरा बना रहता है। अगर ऐसी कोई टीम आपके घर में दाखिल होती है तो उससे उसका आई कार्ड जरूर मांगें या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन या थाने में इस टीम की जानकारी जरूर लें कि क्या कोई टीम कोरोना वायरस जैसी बीमारी का चेकअप करने के लिए आई है या नहीं। इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कुछ लोगों की गैंग आपके घर में दाखिल होती है और आपको नशीला पदार्थ देकर आपके घर में रखी नकदी और गहने हड़प कर जाती है। इसलिए कहते हैं सजग रहिए, सावधान रहिए और होशियार रहिए। ये लोग लुटेरे भी हो सकते हैं जिससे आपको और आपके परिवार को जान और माल का खतरा हो सकता है। यूपी ब्लॉग्स के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्ते, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए हैं और कोरोना से संबंधित आपके स्वास्थ्य की जांच करना चाहते हैं, तो हम अंदर आ जाएं क्या? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी डॉक्टर हैं और ये आपके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इस प्रकार की कोई भी मेडिकल टीम यदि आपके घर में आती है और कहती है कि हमें कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य चेकअप कराना है, तो सबसे पहले आपका दायित्व तो है कि संबंधित व्यक्ति का आई कार्ड चेक करें, थाना चौकी से प्राप्त कर उसकी सूचना प्राप्त करें क्या ये लोग ऑथेंटिकेट है। यदि है तो खुले स्थान पर अपना चेकअप कराएं, घर के अंदर उनको बिल्कुल भी घुसने दें, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि घर में महिलाएं अकेली होती हैं और ये अपराध करने का एक नया तरीका है। अपराधी इस प्रकार से कोरोना को जो है अपने उसमें लेकर अपराध कर सकता है और चोरी कर सकता है, लूट कर सकता है, डकैती कर सकता है।